Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of the each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ipsguide.com. Now let's move toward our video. Hello everyone, कैसे हो आप सब लोग? I hope you are doing well. तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IBPS Guide में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS क्लाइंट्स मेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपका डे नंबर 22 होगा। इससे पहले मैं आपको डे 21 तक वीडियो कवर करवा चुका हूँ। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी जाके देख लीजिए। इस कंप्लीट सीरीज को अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं 20 जनवरी तक। इसके बाद हम बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अभी अप्रोक्सीमेटली आपका टाइम हो चुका है, तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना और पीछे जितने भी वीडियो आपको कवर करवाई हैं उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस की हमारे प्रैक्टिस सेट रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि इस बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। यहाँ पे आज कम्प्लीटली आपके पास मिसिंग डी आई है। देखने में तो बिल्कुल ही इजी है, डेटा भी सिंपल सा गिवन होता है, और बट जो कम्प्लीट डी आई रहेगी 5 क्वेश्चन का सेट रहेगा, जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली 4 क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा जो मैं आपको हर एक वीडियो के एंड में देता हूँ। तो लास्ट वीडियो के जो सेशन था उसमें आपके मोस्टली बच्चों ने आंसर किया था, तो ऑलमोस्ट सही आंसर के साथ जा रहे थे, ठीक है। अब देखिए इस कंप्लीट चार क्वेश्चंस को मैं आपको सॉर्ट आउट करवाऊंगा। यहाँ पे मिसिंग डीआई है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल्स गिवन है ए बी सी डी ई करके, यानी 5 स्कूल हैं ये जो ए बी सी डी ई करके हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्लासेस हैं 7th, 8th, 9th। इसके अलावा कुछ डेटा आपको गिवन है और कुछ डेटा है मिसिंग। इस डेटा को एनालाइज करना है और आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th ऑफ ऑल द स्कूल इज 900, यानी स्कूल जो आपकी क्लास 8th है सभी स्कूल्स में मिला के उनके बच्चे 900 होगी, यानी कि जो कंप्लीट सीरीज है ये वाली, इनके जो टोटल सम है वो 900 है, ठीक है। यानी 8th क्लास के जितने भी बच्चे होंगे उनका टोटल सम है 900, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी एंड डी इज 400 and 470 रिस्पेक्टिवली, यानी स्कूल सी और डी में यहाँ पे बच्चों की जो संख्या है 400 और 470 है। तो स्कूल सी की बात करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा कितनी है, 400 है, ठीक है, और जो स्कूल डी है उसमें कितना है आपका 470 है। तो इस तरह कुछ डेटा गिवन है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th ऑफ स्कूल डी। तो यहाँ पे आपको नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने जो क्लास 7th के होंगे स्कूल डी से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें क्लास 7th और स्कूल डी से, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए यहाँ पे या तो आप ये कर सकते हो, यहाँ पे ना आप 7th स्कूल्स के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो गिवन है, आप इससे कर सकते हो कि जो डी का जो टोटल सम है ना, इस वाली वैल्यूज का सभी का जो सम है वो आपको गिवन है कितना, 470, ठीक है। तो 470 यहाँ पे आपको गिवन है, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू फिर भी आपकी मिसिंग है कि आप अगर ये वाली वैल्यू पता कर लेते तो मे भी हम निकाल सकते थे। तो ये कैसे पता करेंगे, ये ऊपर वाले की तरफ से, कैसे कि उनका सम कितना है 900। देखिए यहाँ पे पहले हमें इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, देखिए 120 और 160 इन दोनों का सम कर दीजिए, 160 प्लस 120 कितना होता है 280। तो यहाँ पे 280 है और इनका तीनों का सम कितना 400 है, 400 में से अगर मैं 280 माइनस करूँ तो कितना बचेगा 120, ठीक है। तो यहाँ नहीं हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जो यहाँ पे थे वो कितने आएंगे, 120 आएंगे, क्लियर है ना। देखिए इन दोनों का सम आएगा 160 प्लस 120 कितना होगा 280, और इस कंप्लीट सी स्कूल के स्टूडेंट का सम था 400, तो कितना बचेंगे, पीछे कितने बचे यहाँ से 120, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा क्या 120, ठीक है। अब आप ये भी तो निकाल सकते हो ना, क्योंकि 8th का टोटल समय में 900 पता है, एक ही वैल्यू तो आपकी मिसिंग है ना, एक ही निकालने, एक ही को तो आपको निकालना है। तो अब इन सभी का आपका सम करना है, यानी 150, 160, 120 और 320 इन सभी का सम कर रहे हैं। तो चलिए इसका सम कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा आपका देखिए 0, फिर 6 5 11 11 2 13 13 2 कितना हो जाएगा 15, एक कैरी हो जाएगा, 3 4 5 1 6 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और एक साथ हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है, यानी कि टोटल समय इनका कितना 750, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ओरली सोल्व करने की कोशिश करना, यानी इनका जो 8th क्लास के जो अभी गिवन डेटा है उनका सम कितना 750 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 900 में से अगर हमें 750 माइनस कर दो तो कितने बजेंगे, यहाँ पे कितने बजेंगे, अगर 900 में से 750 माइनस करूंगा तो 150, यानी जो ये वैल्यू है वो कितने की है 150। तो मैंने यहाँ पे पता कर लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 150 है। अब सिंपली इसकी वैल्यू पता कर सकते हो ना, 200 प्लस 150
कितना बनेगा, 350 बनेगा ना। देखिए 200 यहाँ पे है ये वाले और 150 अभी अभी आपने निकाला है, तो कितना बनेगा 350। 350 में से 350 तो आ गए और टोटल कितना है 470। 470 में से अगर 350 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 120। बस इतना ही आपको करना था। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर रहेगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि देखिए डेटा जो मिसिंग है ना ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए अगर थोड़ी सी आप गलती कर दोगे तो। और ये जो डेटा ना कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग भी है, मोस्टली स्टूडेंट इस चीज से कंफ्यूज भी हो जाएंगे किसका डेटा गिवन है, इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज आपको गिवन है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूँ, मे बी किसी की डाउट हो। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है 8th क्लास के, वो है 900, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था 900, ठीक है। और इसके अलावा आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है स्कूल सी के तो 400 थे और स्कूल डी के थे वो थे कितने 470, ठीक है। और आपको टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट पता करने थे 7th क्लास के जो स्कूल डी से थे, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है आपको पता करनी थी, ठीक है। ये वाली वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, तो या तो आप स्कूल 7th क्लास वालों के टोटल सम से पता कर सकते हो, तो वो तो आपको गिवन नहीं है, या फिर आप इससे कर सकते हो कि जो आपका स्कूल डी है उसका जो टोटल स्टूडेंट है वो आपको गिवन है 470। बट उसके लिए तो आपको ये वाली वैल्यू भी चाहिए थी ना 150, वो कैसे निकाली आपने, इनके बेसिस पे इस तरह से इस कंप्लीट डेटा को आपने सॉल्व आउट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान से देने ध्यान देने वाली बात है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। थोड़ा सा अगर समझ गए ना गिवन क्या है, कैसे इसको निकालना है, तो इजीली आप निकाल लोगे। देखते हैं वन बाय वन आपको क्या गिवन है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th ऑफ स्कूल ए इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th ऑफ स्कूल बी रिस्पेक्टिवली, यानी जो क्लास 9th है स्कूल ए की वो 10 क्या है मोर देन है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 9th के जो स्कूल बी से है। क्लियर है, यानी कि यहाँ पे जो ये वाली वैल्यूज है वो 10 ज्यादा होगी, नहीं ये वाली वैल्यू 10 ज्यादा होगी इससे स्कूल बी से, ठीक है। यानी जो क्या कह रहा है कि 9th क्लास के हैं स्कूल ए के वो 10 ज्यादा होंगे, नहीं यानी ये 10 ज्यादा होंगे इनसे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी एंड ए इज 420। तो यहाँ पे स्कूल बी की बात करते हैं, स्कूल बी के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने गिवन है 400 गिवन है, ठीक है। तो स्कूल बी के सामने मैं मेंशन कर देता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 400 है, और यहाँ पे स्कूल ए की बात करते हैं तो 420 है, ठीक है। तो 420 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th ऑफ स्कूल डी एंड ए इज 5:4, यानी जो क्लास 7th है उसका स्कूल डी यानी इसका रेशियो एंड द किसका स्कूल ए जो आपका स्कूल ए है क्लास 7th का इसका रेशियो गिवन है आपको 5:7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2:1 भी गिवन है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्लास 7th है तो स्कूल ए, ठीक है, तो स्कूल डी और स्कूल ए, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो गिवन है वो गिवन है 5:7 और ये आपके 7th क्लास का है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये किस कौन सी क्लास का आपका 7th क्लास का है। एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ई इज 180, तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो स्कूल ई में 180 है। तो देखिए ई की बात करते हैं, यहाँ पे 180 है एवरेज, तो टोटल कितने हैं 3 है, तो 18 ये कितना हो जाएगा 54, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे यहाँ पे 540। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th एंड द क्लास 7th ऑफ स्कूल ई इज 5:6:5, यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास 9th के, ठीक है, एंड क्लास 7th के स्कूल ई के, उनका रेशियो आपको गिवन है 6:5। अब स्कूल ई की बात करते हैं, स्कूल ई में आपका पहले आपको क्या गिवन है कि जो आपके 9th क्लास के हैं, ठीक है, यानी ये वाले इसका और ये वाले 7th यानी इसका जो रेशियो आपको गिवन है वो कितना गिवन है, रेशियो 6:5। तो यहाँ पे आप कर मैं मेंशन कर सकता हूँ कि क्लास 9th, ठीक है, टू द क्लास 7th, ठीक है, इनका जो रेशियो गिवन है वो कितना की रेशियो गिवन है 6:5 है, और ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ ये कौन से स्कूल की बात हो रही है, स्कूल ई की बात हो रही है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, बस ये लिखने नहीं है, माइंड में ध्यान रखने हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th ऑफ ऑल द 5 स्कूल, यानी जो आपको क्लास 7th है इसकी टोटल एवरेज फाइंड आउट करनी है सभी स्कूल्स की, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7th क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो भी तो पता करना पड़ेगा ना आपको कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 7th क्लास में। स्कूल ए का भी डेटा आपको मिसिंग है, बी का भी आपको डेटा मिसिंग है, सॉरी ए का मिसिंग है, डी का मिसिंग है, ई का, तो इन तीनों को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो यहाँ से ध्यान दीजिए, देने वाली बात ये है कि आपको क्या चाहिए, स्कूल ए के और डी के और ई के, तो यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हो, स्कूल ए की बात करते हैं तो 7th क्लास में कैसे निकाल सकते हो, या तो आप इस साइड से इनका सभी का सम आपको पता 420 है उससे माइनस कर दो, बट उसके लिए तो ये वाली वैल्यू चाहिएगी, ये कहाँ से आएगी, इसकी हेल्प से, क्योंकि देखिए इससे क्या कहा था कि 10 ज्यादा है ना ए, ये बात आपने कही थी पहले स्टेटमेंट को देखना कि स्कूल ए के वो 10 मोर देन होंगे किसके, स्कूल बी के 9th क्लास के, तो इनका सम 400 है, इन दोनों का सम कर दीजिए 120 + 160 होते हैं 280, यानी अगर 400 में से 280 अगर
मैं माइनस करता हूं तो कितना बचेगा 120। तो यानी कि जो ये वाली वैल्यूज है कितनी आ जाएगी 120, और इससे कितनी ज्यादा थी आपकी 10 ही तो ज्यादा थी ना, तो 110 ज्यादा यानी 130। तो हमें यहाँ से वैल्यू पता लगी 130, इन दोनों का सम कर दो 150 प्लस 130 कितना हो जाएगा 280। तो 420 में से कितना माइनस कर दो, 280 माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 420 में से 280 माइनस करोगे तो ओरली बता सकते हो 140। तो यहाँ पे जो क्लास सेवन्थ की बात होती है ना, ये वाली वैल्यू वो हमें पता लगी कितनी हुई, 140 हुई, ठीक है। अब इतना तो आपको पता लग गया कि इसकी वैल्यू कितनी हुई, 140। अब ध्यान से देने वाली बात है कि स्कूल डी और ई की कैसे निकालेंगे, या तो हम साइड से निकाल सकते हैं, वो तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पे ऊपर एक बात देखो, आपको एक रेशियो गिवन था, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो एक रेशियो गिवन था कि सेवन्थ क्लास के जो स्कूल डी है और स्कूल ए है उसके बीच में रेशियो कितना था, 5:7 था ना। तो सेवन्थ क्लास के स्कूल ए की तो वैल्यू हमें पता है 140, यानी 7 पॉइंट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 140। तो एक पॉइंट की कितनी होगी, 7 से डिवाइड करोगे 20, तो एक पॉइंट की वैल्यू होगी 20। तो डी के कितनी हो जाएगी, 20 × 5 = 100, यानी जो डी की वैल्यू है वो हमें पता लग गई कितनी है सेवन्थ क्लास की, 100। तो हमें पता लग गई ना 100 है, ठीक है। तो हमने क्या पुट कर दिया, 100। अब बात आती है स्कूल ई की, स्कूल ई का रेशियो कैसे निकालोगे, स्कूल ई का भी तो कंपलसरी है ना, तभी इन सभी की एवरेज निकलेगी। तो स्कूल ई की या तो हम साइड से निकालें, साइड से निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका सम तो पता है हमें 540 है, ना तो हमें ये वाली वैल्यू पता है ना ही ये वाली। अगर ये वाली पता कर लें तो मे बी पॉसिबल है कि हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक रेशियो गिवन था क्लास नाइन्थ के और क्लास सेवन्थ के स्कूल ई से, यानी कि ये वाली वैल्यूज इसके रेशियो और इसका रेशियो गिवन है, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज का आपको रेशियो गिवन था, ये आपको कंफर्म हो चुका है ना, 6:5। स्टेटमेंट को दोबारा ध्यान देना कि रेशियो है नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो सेवन्थ क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, और जो आपके किस में पढ़ते हैं, नाइन्थ क्लास में स्कूल ई से, कितना रेशियो था, 6:5। यहाँ पे आपका मेंशन कर रखा है, तो एक बार मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेशियो गिवन था ना 6:5, वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो सेवन्थ क्लास के स्कूल ई है और नाइन्थ क्लास के स्कूल ई है, इन दोनों के बीच का रेशियो 6:5। अगर मैं टोटल इनका समय 540, ठीक है, हमें पता है स्कूल ई में से टोटल 540 है, 540 में से एक वैल्यू में पता है कि 320 तो एट्थ क्लास के हैं, तो 540 में से पहले मैं क्या करूंगा, 320 माइनस कर दूंगा। 320 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 220। 220 वैल्यूज किस किस की होंगी, आपकी ई के स्टूडेंट्स की होंगी जो सेवन्थ क्लास में है, नाइन्थ क्लास में है, और इन दोनों का रेशियो में गिवन है 6:5, यानी 220 को हमें 6:5 में डिवाइड करना। इन दोनों का सम कितना, 11, यानी जो 220 वैल्यू हो वो 11 की वैल्यू, तो एक की निकालोगे कितना बनेगा, 20, ठीक है। तो यहाँ पे नाइन्थ वाले बच्चों की फीस कितना हो जाएगा, टोटल नाइन्थ वालों का 20 का 120, और यहाँ से 20 × 5 = 100, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो 100 किसकी हो जाएगी, ई वालों की, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट डेटा आपको पता लग गया सेवन्थ क्लास का, ये आपको निकालने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्पेशली पता होना चाहिए सेवन्थ का, तभी एवरेज निकलेगी। अब क्या करना है, इन सभी का सम कर दो, ठीक है, 100, 100, 200, 200, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 260 प्लस 20 380, और यहाँ से हो जाएगा 380 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 480 प्लस 40 कर दो, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा देखिए ऐड करते, छोटी छोटी अमाउंट को ऐड करते लगो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 480 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका, 520, और फिर 100, 620, ठीक है। 620 को आपको सिंपली किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको एवरेज पूछी थी ना, 5 से डिवाइड करोगे, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 1, 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 20, तो 124 इसकी एवरेज आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से करो तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस डेटा को समझना कि क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है और क्या क्या आपसे पूछिए। कंप्लीटली क्वेश्चन है ये कंप्लीट सिर्फ टाइम कंजप्शन है और कुछ नहीं है। इन क्वेश्चन का ये सिर्फ मेन मोटिव यही रहता है एग्जामिनर का कि कैसे कैसे बच्चों का जो टाइम है वो कंजप्ट किया जाए, क्योंकि ये है मेंस में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस और सिर्फ टाइम कंजप्ट करते हैं। और आप सभी को पता है इसमें बताओ कोई मेथड यूज हुआ, नहीं हुआ, कोई फास्ट कैलकुलेशन थी, बस थोड़ी सी सिंपल सी वैल्यूज थी, वही आपको ऐड सब्सट्रैक्ट करनी थी, छोटे छोटे नंबर्स थे, बट आपको वही अगर छोटा थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ से अगर आपका इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, और आप ये नहीं समझ पाए कि क्या क्या आपको वैल्यू गिवन है तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जामिनर मेंस में आपको देखोगे एसबीआई पीओ की अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, एसबीआई पीओ में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिल जाते हैं, सिर्फ जो सिर्फ क्या होते हैं कि टाइम कंजप्शन होता उनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको ट्राई किया, फिफ्थ क्वेश्चन है उसको ट्राई करना, मैं थर्ड वाला आपको सोल्व करवा रहा हूँ, थर्ड वाले है उसमें देखते हैं क्या आपसे पूछा है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास नाइन्थ ऑफ स्कूल बी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास नाइन्थ ऑफ स्कूल ए, यानी जो स्कूल ए है ये वाले बच्चे हैं वो क्या होंगे, इसके ट्वाइस होंगे, ठीक है। यानी जो स्कूल ए में है बच्चे हैं उनके दोगुने होंगे स्कूल बी में नाइन्थ क्लास में, यानी ये इसकी जो वैल्यू होगी इससे दोगुनी होगी ये वाली,
ठीक है, आपको पता लग गई। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th ऑफ स्कूल ई इज 20 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द सेम क्लास ऑफ स्कूल ए। यानी कि यहाँ पे जो स्कूल ई में नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो ए से कितने ज्यादा होंगे, इस वाली वैल्यू से कितने ज्यादा होंगे, 20 बच्चे ज्यादा होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ स्कूल सी इज 105/5/19% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल ई। यानी जो स्कूल ई के जो ये बच्चे होंगे, ठीक है, उसका 105/5/19% होंगे कौन स्टूडेंट, 8th क्लास के जो स्कूल सी में पढ़ते हैं, यानी ये वाले बच्चे, इसके कितने कितने प्रतिशत होंगे, 105/5/19। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा क्या, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th ऑफ ऑल द 5 स्कूल इज 128। यानी इसकी कंप्लीट जो एवरेज गिवन है वो 128 गिवन है। ठीक है, 128 गिवन है, तो सिंपली 128 की 5 से करोगे 640। यानी स्कूल जो आपका स्कूल है, सॉरी 9th क्लास के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 640 है, वो आपको पता लग गया। अब आपसे क्या पूछा, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी। यानी स्कूल बी और सी के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका रेशियो बताने नहीं, इसका रेशियो और इसका रेशियो आपको बताना है। इसका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए देखिए, इन दोनों को तो आपको पता है, तो पहले ये वाली वैल्यू आपको पता करनी पड़ेगी। इसका रेशियो निकालने के लिए तो ये वाली वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो यानी कंप्लीट पहले हमें 9th को सोल्व करना पड़ेगा। समझ आया आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो ठीक है, आप सोल्व करते हैं वन बाई वन। तो यहाँ पे आपको देखिए सिर्फ ये पता है कि स्कूल के 9th क्लास के जो स्टूडेंट है टोटल वो 640 हैं। ठीक है, इतना आपको पता है, बाकी कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे इसका कैसे निकालोगे, आपको देखिए एक रिलेशन गिवन था कि यहाँ पे जो स्कूल ए में होंगे बच्चे 9th क्लास के, वो इसके दुगने क्या होंगे इसमें। तो अगर मैं मानूं कि 9th क्लास के जो स्कूल ए के बच्चे होंगे, यानी स्कूल ए के, ठीक है, यहाँ पे स्कूल ए के जो बच्चे होंगे 9th क्लास के, वो एक्स मान लेता हूँ, यानी जो ये वाली वैल्यू है अगर मैं एक्स मान लूँ, तो ये वाली क्या हो जाएगी, इसके दो गुने यानी 2x। ठीक है, ये वाली आपको पता है, यानी स्कूल बी के बच्चे कितने हो जाएंगे आपके, 2x हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या कहा था कि जो ई क्लास के ई स्कूल के बच्चे होंगे 9th क्लास के, वो कितने होंगे, 20 मोर होंगे ए से। तो यानी अगर ये एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20। क्लियर है, इतना आपको पता है, यानी ई के कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 20, और बाकी के जितनी वैल्यूज आपको गिवन है 120 और 200। तो यहाँ पे स्कूल सी की बात करते हैं वो कितने हैं, 120 है, और स्कूल डी की बात करते हैं वो 200 है। ये आपको वैल्यू गिवन है, इन सभी का सम है, देखो ये वाली वैल्यूज है, इन सभी का सम कितना है, 640 है। अब एक्स की वैल्यू तो आप निकाल लोगे बेसिक से, देखिए इन दोनों का सम कितना है, 200 प्लस 120 यानी 320 माइनस कर दो पहले 640 में से, ठीक है, माइनस कर दोगे तो 20 3, यानी 320 बचेंगे। तो यहाँ पे ऊपर क्या क्या बचा आपके पास, एक्स प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320। ठीक है, ये आपको समझ आया कैसे आया, क्योंकि देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 9th क्लास में 640 है, और जिसमें से सी और डी का सम आपका आ गया 320, वो टोटल में से माइनस कर दूंगा ताकि बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स का भी पता लग जाएगी कौन सी क्लास में कितने हैं। तो 640 में से मैं 320 माइनस किया तो कितना बचा, 320। अब इनका सम देखिए कैसे निकालेंगे, ये यहाँ पे 20 इधर प्लस में, तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 300। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब इन सभी का सम करो, 2x 3x एक 4x, 4x की वैल्यू कितने हैं, 300 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75, क्योंकि 300 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है 75 ही आएगा ना, 4 7 28 और 4 5 20, तो x की वैल्यू 75 आ गई, यानी ये वाली वैल्यू है 75 आ गई। ठीक है, 75 की दुगनी कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, तो ये वाली 150 आ गई, ये x प्लस 25 था, यानी 75 प्लस 25 यानी 95, तो ये वाली वैल्यू हमें पता लग गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस किस का रेशियो पूछा था, बी का और सी का, तो बी की तो हमारे पास टोटल वैल्यू निकल गई, लेकिन सी का कैसे निकालोगे, ये वाली वैल्यू आपकी मिसिंग है। तो इसका क्या कहा था, कितना प्रतिशत होगा, 105/5/19%। तो एक सिंपल सी बात बताइए, 105 है, 5/19% ऑफ 95। ठीक है, ये वाली सिंपल सी बात है ना, कि क्योंकि इसका 95 का 105 से ही 5/19% होगा, तो इसको कैसे करोगे कि 105 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, वो आपका टाइम कंजप्शन हो जाएगा। सिंपल है, मैं एक स्प्लिट मेथड बताता हूँ, इसको तोड़ दीजिए, फ्रैक्शंस वैल्यू अगर आपको याद हो, इसको कैसे तोड़ोगे, ये 100% प्लस 5/5/19% कर सकते हैं ना, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ना, मैंने कुछ अलग तो करवाया नहीं, इसको स्प्लिट किया है, तोड़ा है इसको, 100% क्या होगा 95 का, 95 ही हो जाएगा। ठीक है, 5/5/19% अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो 1/19 होता है। ठीक है, मैंने कहा था 1/20 तक फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेना, अगर याद होती तो यहाँ से आप देख के बता दिए, 1/19, 1/19 करोगे इसका, इसका 1/19 यानी 19 × 1 = 95। ठीक है, इतना आपको क्लियर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो प्लस 5 यानी क्या कर दूंगा, 100। तो आपको ओरली भी बता सकते थे बिना इसको कैलकुलेट करे, इतने कम टाइम में, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100 आ जाएगी। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इन सभी का सम करना है ना, सम कर दो बस, स्कूल बी और सी का सम कर दो। ठीक है, यहां से सम करोगे तो देखिए कितना आएगा, 0
छः पाँच 11 और 2 13, ठीक है, एक कैरी 3 एक 4, यानी 430 हो जाएंगे स्कूल बी से। अब स्कूल सी का करोगे कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 2 8, और यहाँ पे 3 380, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपका डिवाइड नहीं होगा, 43:38, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो। देखिए स्टेप टू स्टेप मैंने करवाया है, एक भी ऐसा स्टेप नहीं इसमें कम किया हूँ, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, समझ लो कि कैसे इसको करना है, और कोई भी डेटा वो मिस मत करना, एक एक लाइन पढ़ना, डेटा अगर आपको ज़्यादा गिवन है ना तो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर डेटा कम दिया होता ना तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। जैसे कि कोई भी पजल होती है, दिखने में जितनी छोटी होती है ना उतनी ही हार्ड मिलती है, और जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतनी ईजी होती है, क्यों, क्योंकि उसमें अगर बड़ी होगी तो ज़्यादा डेटा मिलेगा, फिर आपको सोल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, छोटी होगी तो कम डेटा होगा, हमें पॉसिबिलिटी का केस लेके चलना पड़ेगा। तो वही बात है, डेटा को अच्छे से एनालाइज करो फिर आप सोल्व करो, और मोस्टली बच्चे कैनोट भी डिटरमाइन पे भी जा सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सी एन डी अगर गिवन होता ऑप्शन में तो उसको ही टिक करके आओ, डेटा को पढ़ो फिर इसको सोल्व आउट करो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल ए एंड डी इज 400 and 420 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि स्कूल ए में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 400 है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका स्कूल डी है उसकी वैल्यू गिवर है, स्कूल डी में कितने हैं, 420, यानी 420 है। चलिए अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9th ऑफ स्कूल ए टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th ऑफ स्कूल सी इज 2:3। यहाँ पे आपको जो 9th है, 9th क्लास है उसका स्कूल ए, यानी इसका रेशियो गिवन है किसके साथ, 7th, यहाँ पे किसके, 8th क्लास के स्कूल सी से, यानी इसके साथ, इन दोनों का रेशियो गिवन है कितना, 2:3। मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ इस चीज को कि यहाँ पे जो स्कूल ए है, यानी स्कूल ए, यानी ए से मेंशन कर देता हूँ, स्कूल ए उसके 9th क्लास के स्टूडेंट का रेशियो गिवन है किसके साथ, स्कूल सी के 8th क्लास के स्टूडेंट के साथ, कितना रेशियो गिवन है, 2:3, ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th ऑफ ऑल द 5 स्कूल इज 130। अगर इनका एवरेज 130 है तो टोटल कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या करोगे आपको 130 से क्या करोगे, 130 की 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 5 है ना, तो सॉरी नंबर ऑफ स्कूल कितने हैं, 5 हैं, तो 13×5=65, यानी 650। तो यहाँ पे स्कूल ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 650 होंगे, एंड द नंबर ऑफ क्लास 8th स्टूडेंट ऑफ स्कूल डी इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास ऑफ स्कूल डी। यानी क्या कह रहा है, जो 7th क्लास के जो स्कूल डी के बच्चे होंगे, यानी ये वाली बात हो रही, इसके क्या होंगे, कितने परसेंट ज्यादा होगी, 20% ज्यादा होगी, कौन, 8th क्लास के स्टूडेंट और स्कूल डी के हैं, ठीक है, क्लियर है, यानी ये वाले, ठीक है, इससे ज्यादा होंगे। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास ऑफ स्कूल ई और ए, ठीक है, यानी स्कूल ई और ए के बीच, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो आपको फिर से गिवन है, कितना, 5:4, और आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे क्लास 8th में ऑल द स्कूल्स को, ठीक है, इन सभी स्कूल्स को मिला के। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर 8th क्लास के स्टूडेंट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ये दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी ना, तो ये दो वैल्यूज कैसे निकाल सकते हो, या तो आप साइड में अगर आपको टोटल सम गिवन होता तो निकाल सकते हो, या फिर इसके हेल्प से, या फिर ऊपर वाले की हेल्प से। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले हम इस वाली वैल्यूज को निकालेंगे, क्योंकि देखिए या तो आप 9th की भी निकाल सकते हो, क्योंकि 9th का निकलेगा तो इन दोनों का सी का और इन दोनों का रेशियो गिवन है, उसके बेसिस पे ये वाली वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो देखते हैं वन बाई वन कैसे सोल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे कि 7th क्लास के स्टूडेंट्स की वैल्यू सोल्व आउट करेंगे, क्योंकि उससे हमें तो एक तो ये वाली वैल्यू पता लग जाएगी, और इसके अलावा ये वाली, जिसके कारण हम 9th का और फिर इसको सोल्व आउट कर पाएंगे। तो पहले 7th क्लास की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन था, स्टेप टू स्टेप कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या गिवन था कि जो इन दोनों के बीच का जो वैल्यूज गिवन थी कि क्या है कि जो एक्स सॉरी आपका जो 7th क्लास के जो डी स्कूल से होंगे ना उससे 20% ज्यादा होंगे 8th क्लास वाले, ठीक है, 8th क्लास के स्कूल डी से। तो यानी इन दोनों के, इनके सभी का सम 420 गिवन है हमें, 420 में से पहले 2 से माइनस कर दो, कितना बचेगा आपका, 220, यानी जो इन दोनों की वैल्यूज आएगी बचे हुए ब्लैंक्स की वो 220 आएगी। इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस गिवन है, अगर मान लेते हैं जो 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्कूल डी से, ठीक है, कौन से स्कूल से, वो एक्स मान लेते हैं, यानी जो ये वाली वैल्यूज है हमारे पास वो हम एक्स मान लेते हैं, तो इससे क्या कहा था, 20% ज्यादा, ठीक है, 20% ज्यादा, सीधी सी बात है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, यानी अगर डी वाले 5 होंगे तो यहाँ पे जो 8th क्लास के स्कूल डी वाले कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना, क्योंकि इनके बीच में क्या कहा था कि डी जो 8th क्लास वाले हैं वो क्या होंगे, 20% मोर देन होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा, एक बार स्टेटमेंट में देख लो, 20% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7 ऑफ स्कूल डी।
अगर ये पांच होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, छह हो जाएंगे। तो यानी कि कंप्लीट जो वैल्यू है 5:6 में आपको डिवाइड करनी, 6 + 5 होता है 11, तो 11 इसको डिवाइड में कर दो, तो 11 × 2 = 22, 20। तो यहाँ पे हमारे एक पॉइंट की वैल्यू आ गई 20, तो यह था आपका 5, तो 20 × 5 = 100, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 100 आ गई, तो यह आ जाएगी 120, तो 20 = 120, तो ये वाली वैल्यू हमें पता लग गई, क्लियर है। और यहाँ पे अब सिर्फ आपको ये वैल्यू पता करनी, तो अब ये कैसे पता करोगे, ना तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अगर वो वाले तो हमसे पूछे ना कि 8th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो वो कैसे निकालें कि आपको इसके बीच और इसके बीच आपको एक रेशियो गिवन था 2:3, उसके बेसिस पे निकल सकता है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो भी इसकी हेल्प से। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब क्लास 7th की बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 650 है हमारे पास, और इसके अलावा ये तीन वैल्यू गिवन है, इन तीनों का सम कितना है 100 और 160 + 120 यानी 380, ठीक है। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा ना। तो टोटल में से अगर मैं 380 माइनस कर दूं, यानी इसमें से अगर मैं 380 माइनस कर दूं, कितना बचेगा 0, 15 में से 8 गए तो 7, और 5 में से 3 गए 2, यानी 270। तो बचे भी इन दो ब्लैंक्स की वैल्यू कितनी है, 270 है। ये इतना आपको पता लगे कि इन दो बचे हुए ब्लैंक्स की जो वैल्यूज है वो कितनी है, 270 है। अब थोड़ा सा एक बार ध्यान दो, तो आपको एक रेशियो गिवन है 5:4, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि 5:4 है किस किस के बीच में, रेशियो ऑफ स्टूडेंट है जो स्कूल 7th के ई स्कूल के बीच में और ए स्कूल के बीच में, यानी इसके बीच में और इसका रेशियो गिवन है, यानी कितना 5:4, यानी जो 270 वैल्यू हमें 5:4 में डिवाइड करनी, यानी 270 पॉइंट है उस कितने की वैल्यू है, 9, क्योंकि 5 + 4 कितना होता है 9, तो 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, यानी एक पॉइंट की वैल्यू 30 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हो इंडिविजुअली निकाल सकते हैं ना, स्कूल ई के कितने हो जाएंगे 150, क्योंकि 5 पॉइंट की वैल्यू है ना स्कूल ई की, और ये कितने हो जाएंगे 30 × 120, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लग गए, ठीक है, क्लियर है। यानी अगर ए की वैल्यू हमें पता लग गई तो हम अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद इसकी निकल जाएगी आपकी, 150 + 120 कितना होता है 270, तो 400 में से अगर मैं 270 माइनस करूं, क्योंकि देखिए इसके माइनस करने के बाद ही हमें क्या पता लगे कि ये वाली वैल्यू पता लगेगी ना, तो 270 माइनस करते हैं 0, 10 में से 7 गए कितना बचेगा 3, और यहां से 130, तो ये वाली वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 130 आ चुकी है। तो चलिए मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं 130, क्लियर है, और 130 आ गई, तो आपको रेशियो गिवन था ये वाला, ठीक है, अगर याद हो 2:3, यानी 130 जो वैल्यू है वो कितने पॉइंट्स की है आपके पास, 2 पॉइंट्स की वैल्यू है ना, क्योंकि आपको जो रेशियो था वो मेंशन कर रखा था। तो यहां से करोगे तो कितना आएगा, एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी 65 आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू कितने की थी, 3 की थी, तो 65 की हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 = 15, 1 × 6 = 18, 1 × 19 यानी 195, ठीक है, क्लियर है। तो ये आ जाएगी कितनी, 195। अब आपको इनका सभी का सिंपली सम करना है, तो यहाँ पे सम करने के बाद आपकी जो वैल्यू आ गई वो आएगी यहाँ पे 945, ठीक है, तो 945 आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है, आपका ऑप्शंस में नहीं है, मे बी मिसप्रिंट हो, क्योंकि हैंड रिटन आपके नोट्स हैं, तो बाद में कुछ क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, तो मे बी ऑप्शन ई ही होगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शंस पे ये आपका गलत है, ऑप्शंस कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसप्रिंट हुआ, तो जो राइट आंसर रहेगा वो 945 रहेगा, क्लियर है। कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप मैंने आपको कवर करवाया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, इसको कंप्लीटली वीडियो को पॉज करो, इसको सोल्व करो और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मुझे भी पता लगे कंप्लीट जो वीडियो सेशन मैंने आपको कवर करवाया है आपको समझ आया है कि नहीं। तो एक बार इसको देखते रहना, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।